अब यदि अल्फा कांस्टेंट नहीं हो तब क्या होगा? एक बात, हम अल्फा के लिए जो हमने लिखा है डी ओमेगा बाय डीटी, मगर हम ओमेगा के लिए पहले ही डी जीटा बाय डीटी लिख चुके हैं। तो मैं इसको डी बाय डीटी ऑफ डी जीटा बाय डीटी भी लिख सकता हूं। एंड वी राइट इट इन दिस मैनर, डी टू थीटा बाय डी टी टू। मैं इसे इस तरह से भी लिखता हूं, डी टू थीटा बाय डी टी टू, अल्फा एस डी ओमेगा बाय डी टी और डी टू थीटा बाय डी टी। इट्स कॉल्ड डबल डिफरेंशियल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इफ अल्फा इज नॉट कॉन्स्टेंट, यदि अल्फा की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं हो, देखिए इन दैट केस वी नीड टू अप्लाई दैट बेसिक डेफिनेशन, डी ओमेगा इज इंटीग्रल ऑफ अल्फा डीटी, और डी ओमेगा इज इंटीग्रल, ओमेगा इज, हमें यह बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी हमेशा। अब इसमें हम अल्फा को बाहर नहीं निकाल सकते, हमें यह बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी। एंड यू लर्न हाउ टू सॉल्व दिस, आगे जाकर हम इस चीज को सॉल्व करना सीखेंगे। अब दिस इज अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यह सब बात समझाने के बाद मैं दोबारा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करता हूं। देखिए अभी जो मैं समझा रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी जो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं, दिस काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम पूरी तरह से समझेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन। हम इन्हीं सब बातों को समझते रहेंगे। इसके बाद सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पूरी तरह से समझने के बाद, देन वील स्टडी द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके बाद में हम सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स को समझेंगे। तो डायनामिक्स में हम फोर्स, मास, द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, हाउ डू एनी पार्टिकल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, हम वह सब बातों को समझेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में तुम्हें पूरी तरह से सिर्फ काइनेमेटिक्स ही समझाऊंगा। देखिए मेरा जो अगला आर्टिकल है, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा। दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सी इनिशियली दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ दिस सेंटर इज ओ एंड इनिशियली the particle is at this point P and in circular motion with angular velocity omega, this is the initial position. The velocity of particle is V and this arrow denotes the velocity vector of the particle, initial velocity vector of the particle. This arrow denotes the velocity of particle both in magnitude as well as in direction. At this instant, the direction of the velocity of particle is along the tangent. इस इंस्टेंट पर जब पार्टिकल इस जगह पर है तब उस पार्टिकल की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट है, देयर इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द लेंथ ऑफ दिस एरो। यह एरो की जितनी बड़ी लेंथ है उतना ही अधिक उसका मैग्नीट्यूड है। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए यह पार्टिकल आफ्टर सम टाइम इस पॉइंट क्यू पर आ जाता है। आफ्टर सम टाइम यह पार्टिकल इस पॉइंट क्यू पर आ जाता है। अब इस पॉइंट क्यू पर इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, क्या उसका मैग्नीट्यूड होएगा, क्या उसका डायरेक्शन होएगा, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी वेक्टर। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। उस वेलोसिटी का हमको मैग्नीट्यूड भी बताने की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन भी बताने की आवश्यकता होती है। और देखिए हम कैसे बताते हैं, हम पॉइंट क्यू पर एक टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट के अलांग हम एक एरो बनाते हैं। दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट क्यू एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। यह फाइनल वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एरो सजेस्ट अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। इस एरो का जो डायरेक्शन है वह वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस इंस्टेंट पर एंड इट्स ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट एंड द लेंथ ऑफ एरो सजेस्ट अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस एरो की ये जो लंबाई है उससे हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है। अब इफ इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यदि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि अलोंग द सर्कुलर पाथ लीनियर स्पीड इज कॉन्स्टेंट। If along the circular path linear speed is constant, in that case
एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजिशन दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी इट्स मैग्नीट्यूड वुड रिमेन सेम। किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी पोजिशन पर पार्टिकल की यह जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसका यह जो मैग्नीट्यूड है यह हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब पॉइंट पी पर ड्रॉ करा गया यह एरो और पॉइंट क्यू पर ड्रॉ करा गया यह एरो, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। द एरो लेंथ एट पॉइंट पी सजेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। द एरो लेंथ एट पॉइंट क्यू सजेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू एंड दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स सेम, हेंस एरो लेंथ सेम। नाउ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आते हुए क्या पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है? पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आते हुए क्या पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है? डेफिनेटली यस। सिंस वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड एंड सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, पॉइंट पी पर वेलोसिटी का यह डायरेक्शन था और पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी का यह डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाना इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई है। एंड आई विश टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी। पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक आते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उस चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, उस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, आई वॉन्ट टू डिटरमाइन दैट। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात को समझे, ये वेक्टर ऑपरेशन है। वेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमेशा, वेक्टर से कुछ भी कंक्लूड करने के लिए हमेशा दो वेक्टर्स की या तो टेल मिलानी होगी या हेड मिलाने होंगे या हेड और टेल मिलाने होंगे। और वेक्टर्स के लिए हम कहते हैं वेक्टर कैन ऑलवेज बी ट्रांसलेटेड ऑन द प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। प्लेन पर वेक्टर्स को कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो, बस आपको जो ध्यान रखना है ट्रांसलेट करते समय आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, उसका डायरेक्शन चेंज मत करो। कहने का मतलब मान लीजिए यह कोई वेक्टर ए है, यह कोई वेक्टर ए जो मैंने इस जगह पर बना रखा, इसका यह डायरेक्शन है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द एरो। जितना बड़ा एरो बनाऊंगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। अब हम कहते हैं इस वेक्टर ए को हम इस बोर्ड के प्लेन पर कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे इधर ही बनाएं। हम चाहें तो इस वेक्टर ए को हम इस जगह पर बना सकते हैं। बस इस वेक्टर ए को इस जगह पर बनाते समय एक बात ध्यान रखना है, इसके डायरेक्शन को चेंज मत करो। ये जो डायरेक्शन है ऐसा कैसी, बिल्कुल पैरेलल, और इसकी लेंथ को भी चेंज मत करो। हम इस तरह से वेक्टर्स को कहीं से कहीं पर भी प्लेन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उस वेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो प्लेन में ट्रांसलेट करने से बदलता नहीं है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखो। बस बस मैं वही काम इधर कर रहा हूं। What I am doing is पॉइंट पी पर यह जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको मैं थोड़ा पीछे खींच दूंगा। पॉइंट क्यू पर यह जो वेलोसिटी वेक्टर है इस वेक्टर को मैं थोड़ा पीछे खींच दूंगा। इसे पीछे खींचते समय मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगा। इस वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से पीछे खींच रहा हूं कि इसकी टेल
दिस पॉइंट पर आ जा। नाउ दिस एरो डिनोट्स फाइनल वेलोसिटी। अब इसी तरह से अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट पी पर यह जो वेक्टर है इसे मैं थोड़ा आगे खींच दूंगा, सच दैट पॉइंट पी पर ड्रॉ करा गया यह जो वेक्टर है और पॉइंट क्यू पर ड्रॉ करा गया जो वेक्टर है, इन दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर आ जाए। इन दोनों वेक्टर की टेल को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों की पूंछ यदि मैं बांधूंगा तो मैं इन दोनों वेक्टर से कुछ कंक्लूड कर सकूंगा। ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूं, पॉइंट पी पर ड्रॉ करा गया यह जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको आगे की तरफ खींच रहा हूं। इस तरह से यह पॉइंट पी पर ड्रॉ करा गया वेक्टर मैंने आगे की तरफ खींच दिया। इसे आगे की तरफ खींचते समय डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं बदली और लेंथ बिल्कुल भी नहीं बदली। नाउ दिस एरो डिनोट्स द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर and this arrow denotes the final velocity vector. अब दोनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं इस एरो के हेड और इस एरो के हेड, इन दोनों एरो हेड को जोड़ते हुए एक थर्ड एरो करता हूं, एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं इन दोनों एरो हेड्स को जोड़ते हुए। दिस इज द थर्ड वेक्टर। अब मैं कहता हूं दिस एरो ड्रॉ is the change in velocity vector. हल्का सा नीटली बनाता हूं मैं इसको। This is initial velocity vector and this is the third arrow. Now I say that this arrow, इधर से इधर जो बनाया है, दिस एरो इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझाता हूं इसी समय। लेट अस से दिस वेक्टर इज एक्स, यह वेक्टर एक्स है। मैं मान लेता हूं कि यहां कोई वेक्टर एक्स है। This arrow denotes some random vector x. Now, what is law of triangle? यह एक triangle complete हो रहा है। इसमें law of triangle क्या है? If this arrow denotes a vector vi, if this arrow denotes a vector vi, and this arrow denotes a vector x, then this vi plus v vector x would be equal to this vector vf, final velocity vector. अब मैं इस initial velocity vector को इधर ले आता हूं, vector x is final velocity vector माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसे हम चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो एरो है जिसे अभी अभी हमने वेक्टर एक्स कहा था, this arrow is in fact
चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, यह एरो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कहलाएगा। दिस इज डेल्टा वी। अब बोथ इन मैग्नीट्यूड एस वेल एस इन डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है इस बात को फिर आपस समझते। दिस एरो डिनोट्स चेंज इन वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एस वेल एस इन डायरेक्शन। इसका मतलब समझो कि जब यह पार्टिकल P से Q तक आया है, जब यह पार्टिकल P से Q तक आया है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई है और उस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का यह डायरेक्शन है। अब यह डायरेक्शन भाई इधर तो लगा नहीं होगा, ये पार्टिकल के ऊपर लगा होगा क्योंकि हमने P वेक्टर को भी ट्रांसलेट कर दिया और Q वेक्टर को भी ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए डेल्टा V इस तरह दिखा है। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन देखने के लिए हम इस वेक्टर को ट्रांसलेट इधर कर देते हैं। दिस इज इन फैक्ट द वेक्टर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन। इट्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, यह रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन है। लेट मी राइट अ नोट ओवर द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हम कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज constantly changing in radially inward direction. Velocity vector of the particle is constantly changing in radially inward direction. उस particle की velocity radially inward direction में constantly change हो रही है। This is the meaning of this arrow, the direction of the arrow. अब हमको यह भी जानना है what is the magnitude of change in velocity. Particle का यह जो velocity change हो रहा है इसका magnitude कितना है। अब देखिए इस तरह से मैं determine करूंगा, if this angle is theta, यदि यह एंगल थीटा है सिंस दिस इज टेंजेंट इट्स 90 डिग्री, यह टेंजेंट है तो यह 90 डिग्री होगा, दिस ऑल्सो टेंजेंट सो दिस ऑल्सो 90 डिग्री, हेंस दिस एंगल वुड बी 180 माइनस थीटा एंड हेंस दिस एंगल इज थीटा, यह एंगल थीटा होगा। अब यदि यह एंगल थीटा है मैं इस ट्रायंगल में इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, नाउ दिस एंगल वुड बिकम थीटा बाय टू, now this angle would become theta by 2, half angle. अब मैं कहता हूं the arrow length from here to here, the arrow length from here to here, this is magnitude of velocity, और
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट पी और द लीनियर स्पीड एट पॉइंट पी एंड व्हाट इज लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. मैं लिखता हूं लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. हाफ ऑफ इट इनफैक्ट हाफ ऑफ इट हाफ ऑफ इट ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है इसका आधा होगा. अब मैं इस थीटा बाय टू का साइन रेशियो देख सकता हूं. साइन रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टू दिस इज परपेंडिकुलर this is magnitude of change in velocity upon 2 this is perpendicular and hypotenuse is the magnitude of velocity and this is sine of theta by 2 and from here I can write magnitude of change in velocity is magnitude of change in velocity is two times magnitude of velocity into sine theta by 2. This is the magnitude of change in velocity when particle swept angle by theta. जब यह पार्टिकल थीटा एंगल स्वीप करता है तब यह मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है. अब मैं कहता हूं इफ दिस थीटा इज फाइनाइट then there would be a finite change in velocity. यदि यह theta finite हो large हो if it is a measurable angle तो यह delta v ये भी इसका magnitude भी finite होएगा large होएगा measurable होएगा. मैं कहता हूं if theta approaches zero, if theta approaches zero, now what do you mean by theta approaches zero? Means angular displacement is small. It's not exactly zero, it's very very small. In that case, sine theta by 2 always approaches theta by 2. This is the concept of limits. हम इस बात को देखें जैसे यदि theta 10 degree होता है if this theta is 10 degree if this theta is 10 degree now 10 degree is a small angle. For such a small value of theta यदि हम साइन थीटा देखेंगे जो कि है साइन 10 डिग्रीज इट्स वैल्यू वुड बी इक्वल टू 10 डिग्रीज टेकन इन रेडियंस. इसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 10 इंटू पाई बाय 180. फॉर स्मॉल एंगल थीटा जब भी एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा.
sine theta by 2 would be equal to theta by 2. This is always applicable for sine ratio. For example, यदि theta की value 4 degree है, मान लीजिए particle 4 degree से घुमा, 4 degree which is once again a small angle. तो अब यदि हम sine theta की value निकालेंगे, मतलब साइन 4 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो यह इक्वल टू होगा 4 डिग्रीज टेकन इन रेडियंस. इस 4 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 इंटू पाई बाय 180, 4 इंटू पाई बाय 180, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्री. You need to note down this concept. If theta is approaching zero, if theta is small, sine theta by 2 is always equal to theta by 2, and this delta V is dV. Delta V vector is dV vector. मैं इसी कंसेप्ट को अब लगाता हूं. इस एक्सप्रेशन में हम कहते हैं स्मॉल थीटा कर रहा हूं मैं और इसे लिख रहा हूं मॉड ऑफ डीवी, मॉड ऑफ dV is equal to 2 times V. Mod V vector की जगह simply V लिख दो और sin theta by 2 की जगह theta by 2. So dV is equal to V into theta, where theta is a small. या फिर इनफैक्ट मैं इसको व्हेन थीटा अप्रोचेस डी थीटा करता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा. व्हेन थीटा अप्रोचेस डी थीटा, तो साइन थीटा बाय 2 अप्रोचेस डी थीटा बाय 2, तो अपने आप वहां स्मॉल हो जाएगा और इधर डी थीटा बाय 2 दिखने लगेगा और इधर वी डी थीटा दिखने लगेगा. डी थीटा मीन्स डिफरेंशियल थीटा, means small angle theta. D theta means differential theta, means small angle theta. dV is V d theta. When theta approaches d theta, theta approaches 0 लिखो या theta approaches d theta. d theta means small angle theta, differential theta. A very very small angle like 1 degree, 2 degree or 3 degree. Sin theta by 2 would be d theta by 2. डेल्टा वी वुड बी डीवी. तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा, डीवी इक्वल टू 2 मॉड ऑफ वी की जगह वी और साइन थीटा बाय 2 की जगह डी थीटा बाय 2, और बाय 2 और 2 कैंसिल, डीवी इक्वल टू वी डी थीटा. और वी यूज टू से यदि मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ डीटी से डिवाइड कर दूं now, do you know what is dv by dt? dv by dt. dv by dt. This v is linear speed. dv by dt is rate of change of linear speed. Rate of change of linear speed is tangential acceleration. मैं इधर लिखता हूं. dv by dt is rate of change of tangential velocity. या तो इसको linear speed बोल लो या tangential velocity बोल लो, and this must be denoted by at
और दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सॉरी, डू नॉट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इनफैक्ट दिस एक्सीलरेशन, सिंपली एक्सीलरेशन। इसको आप डायरेक्शन इसलिए मत बोलो क्योंकि इसका डायरेक्शन हम पहले ही बोल चुके हैं, इनफैक्ट दिस वुड बी रेडियल एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यू कैन से, और टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ठीक है। एंड दिस डीवी बाय डीटी जिसको हम एक्सीलरेशन कह रहे हैं, दिस इज वी, व्हाट इज डी जीरो बाय डीटी, व्हाट इज डी जीरो बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओमेगा, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और अभी इधर एक बात हम जो ध्यान से देखें, यह जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है इसकी डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन हम पहले ही बोल चुके हैं, इट्स रेडियली इनवर्ड, इधर तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन हम पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। यदि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वही तो एक्सीलरेशन होता है, इट मींस एक्सीलरेशन इज इन कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन, इनफैक्ट दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन, ए आर मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन। अब इस मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन को मैं, जो मैंने वी ओमेगा लिखा है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन वी ओमेगा, यदि मैं ओमेगा की जगह पर वी बाय आर लिख दूं, दिस रेडियल एक्सीलरेशन में ऑल्सो रिटन एस v into v by r, that is v square by r, और यदि मैं v की जगह omega r लिख दूं, in that case this radial acceleration would be written by omega square r, this is radial acceleration of the particle, and finally I'll conclude for a statement, I'll say any particle in uniform circular motion is constantly accelerated in radially inward direction with the acceleration of v square by r or omega square r or v omega. I'll write a note here which would be the complete conclusion of this article. I'll say any particle in uniform circular motion is constantly accelerated in radially inward direction, radially inward direction.
विथ रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर आर और वी ओमेगा. कोई सा भी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है वो कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होता रहता है. उसका कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेशन का एक डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन और वह एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाय आर या फिर कह दो ओमेगा स्क्वायर आर या फिर कह दो वी ओमेगा. मैं एग्जैक्टली इसी आर्टिकल से मेरे अगले लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा. अभी काइनेमेटिक्स फिनिश नहीं हुआ है. अभी मैं समझाऊंगा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल होता है तो उसका क्या एक्सीलरेशन होता है वह चीज समझाने के बाद फिर मैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन समझाऊंगा मेरे अगले लेक्चर में. आज के दिन यहीं तक कराता हूं. एग्जैक्टली यहां से अगले लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा. इन सब चीजों को एक बार थॉरली बुक से भी पढ़िएगा. ये सारी चीजों को समझने के लिए द नेसेसरी थिंग इज कि आप इन्हें बार बार पढ़ो. ये चीजें सिर्फ एक बार सुन लेने से एकदम से समझ में नहीं आती है. क्योंकि क्या होता है जहां वेक्टर आ जाता है जहां इस तरह का चेंज इन वेक्टर इस तरह से एरो बनाना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है. सिर्फ एक बार सुन लेने से सारे कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर हो जाए ऐसा नहीं होता है. आपको दो तीन बार जो मैंने आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना होगा और बुक्स भी एक और बार पढ़नी होगी और साथ में जब आप इन चीजों पर दो तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे हर एक कंसेप्ट पर जब दो तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे तब ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाते हैं दिमाग में. जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे ही अब आप सर्कुलर मोशन का जो मैंने स्टडी पैकेज दे रखा है उसको भी खोलकर उसको अटेम्प्ट करना चालू कर दो और उसके प्रॉब्लम्स करने लगो. जितने प्रॉब्लम्स बन जाते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं बनते हैं उनको मार्क करो. जब हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, हर संडे को मैं डिस्कशन कराता, जब संडे संडे हम उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे तब तो आपको ये सारे कंसेप्ट थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आएंगी कि आखिर मैंने क्या बोला, क्या है ये वेलोसिटी वेक्टर, क्या है यह चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, क्या है रेडियली इनवर्ड चेंज इन वेलोसिटी, क्या मतलब है रेडियली इनवर्ड एक्सीलरेशन का, क्या मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का. ये सारे टर्म जब तक आप प्रॉब्लम नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएंगे. प्रॉब्लम करने से ही समझ में आएंगे. यू नीड टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 50 प्रॉब्लम्स ओवर सर्कुलर मोशन, तब आपको सर्कुलर मोशन बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा. सर्कुलर मोशन में हम तीन पार्ट करेंगे, पहले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड देन सर्कुलर मोशन में एक नया कंसेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जोड़ते हुए, सुडो फोर्स का कंसेप्ट जोड़ते हुए और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग सिचुएशन और फिर मैं WPE को दोबारा कंटिन्यू करूंगा.